वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 68 खोलेंगे। पेज नंबर 68 पर चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है बंदर और गिलहरी। सभी बच्चे स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे मेरे साथ। बामे अंकी बिंदी बन दारा दर बंदर, बड़ा ओ रा ओर, गामे छोटी ई की मात्रा गी ला गिल, हा रामे बड़ी ई की मात्रा री गिलहरी बंदर और गिलहरी। तो बच्चों ये जो कहानी है, आपको यहाँ पर एक बंदर बना हुआ दिख रहा होगा और नीचे यहाँ पर एक गिलहरी है, तो बंदर और गिलहरी की कहानी है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। क्या कहा है कि एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था और उस बंदर की जो पूंछ थी बहुत लंबी थी। इस तरह से इतनी लंबी पूंछ थी इस बंदर की और ये बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था। इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी इसकी पूंछ। तभी एक गिलहरी उछल कूद कर रही थी ज़मीन पर। क्या लिखा है कि एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी और जो बंदर था वो कहाँ बैठा हुआ था? पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, यानी कि गिलहरी को अचानक पूंछ दिखाई दी और उसने सोचा कि ये झूला कहाँ से आ गया। पूंछ को देखकर गिलहरी क्या समझी बंदर की पूंछ को देखकर कि अरे ये झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वो पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। क्या समझ रही थी गिलहरी? बंदर की पूंछ को झूला समझ रही थी। बंदर को गुदगुदी हुई, उसने नीचे देखा। वह हंस कर बोला, बहन गिलहरी ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया ये तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। गिलहरी ने क्या कहा बंदर से कि बंदर भैया ये तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। गिलहरी को बच्चों पूंछ पर झूलने में बहुत मज़ा आ रहा था और वो बंदर की पूंछ को क्या समझ रही थी? झूला। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। अब बच्चों हम पेज नंबर 70 पर आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है गप्पे। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। क्या कहा है कि बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी जैसे कि सड़क। अब कहा गया है कि चूहे की पूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे कि, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जंगल। क्या लिखोगे एग्ज़ाम में आप? जंगल के चूहे की मूंछ इतनी घनी थी जैसे कि जंगल। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे कि हाथी। आपने देखा होगा कि भालू कितने भारी भरकम होते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब ऊँट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे कि, अब ऊँट से मिलती जुलती कोई चीज़ सोचोगे, क्योंकि ऊँट लंबा होता है, तो ऊँट को कितना लंबा कहा जा सकता है कि वो देखने में बहुत लंबा लगे, तो यहाँ पर लिख देंगे खम्बा। अब है चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कि चींटी। अब देखो बच्चों चूहिया का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चूहिया इतनी छोटी थी जैसे चींटी। अब कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे कि, अब आप कोई टेढ़ी चीज़ ढूंढो, क्योंकि देखो कुत्ते की जो पूंछ होती है ऐसे करके टेढ़ी होती है। अब कोई टेढ़ी चीज़ सोचो अपने दिमाग के अंदर कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? जलेबी। समझ में आई इतनी बार? अब है आगे कोयल की डैश इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे डैश। तो कोयल की आवाज़ बच्चों कैसी होती है? मीठी होती है। क्या लिखोगे कि कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी जैसे शहद। अब आएंगे पेज नंबर 71 पर। तो कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? और अब खुद जब आपने अपने दोस्त को क्या कहा है यहाँ पर, देखो कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई थी,
तो यहाँ पर कहा गया है कि तुम भी अपने दोस्त को गुदगुदी करो। गुदगुदी करने पर क्या होता है बच्चों? हंसी आती है। तो जब तुमने अपने दोस्त की पीठ पर, पेट पर, गर्दन पर गुदगुदी की तो क्या हुआ? वो हंस हंस कर सुहानी की तरह लोटपोट हो गया होगा। अब खुद को भी गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ? अब देखो, खुद को गुदगुदी करने पर भी हंसी आती है, पर इतनी हंसी नहीं आती जब दूसरे हमें कोई गुदगुदी करते हैं तो हमें ज़्यादा हंसी आती है। आगे है, क्या करोगे? अब है, गिलहरी ने बंदर की मूंछ से झूला झूला था, पूंछ से। तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे, करके दिखाओ। यहाँ पर है रुमाल, तुम रुमाल से क्या कर सकते हो? आँख मिचोली का खेल खेलने में काम आ सकता है रुमाल। समझ में आए? यहाँ पर रुमाल बना हुआ है। तो देखो, गिलहरी ने क्या किया था कि बंदर की पूंछ से झूला झील झूला था। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, तुम इन तीन चीज़ों से क्या क्या कर सकते हो? रुमाल से क्या क्या कर सकते हैं? आँख मिचोली का खेल खेलने में इस्तेमाल कर सकते हैं रुमाल को, सिर को ढकने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं रुमाल को। अब है पेंसिल, तो पेंसिल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? लिखने में, या फिर सिर पर खुजा सकती हूँ पेंसिल से। इसी तरह से फुट्टा यानी कि स्केल, तो स्केल का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? चित्र बनाने में, या फिर किसी चीज़ को मापने में स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से इन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी के अंदर नोटबुक में फिल कर लेंगे और स्पेलिंग के साथ ज़रूर लर्न करेंगे ताकि एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो आपकी। अब है बच्चों पेज नंबर 72। तो यहाँ पर कहा गया है कि तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे कि दूध, भात, संतरा, केला। इसके अलावा और तुम क्या क्या खाते हो? तो सभी बच्चे अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ों के नाम लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं रोटी, सब्जी, आम, अंगूर, आइसक्रीम, केला इत्यादि। ठीक, क्या क्या लिखोगे आंसर में? रोटी, सब्जी, आम, अंगूर, आइसक्रीम, केला इत्यादि। अब सुहानी यहाँ पर क्या कह रही है कि मुझे तो दूध भात पसंद है, आपको जो भी यहाँ पर पसंद हो आप अपनी मर्जी से टिक कर सकते हो। जैसे कि मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, अखरोट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलहरी क्या क्या खाती होगी? तो गिलहरी क्या क्या चीज़ें खाती होगी? मूंगफली, काजू, अखरोट, अमरूद इत्यादि। चार चीज़ों के नाम लिख दोगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा है मूंगफली, काजू, अखरोट और अमरूद इत्यादि। आगे है बंदर क्या क्या खा लेता होगा? तो आंसर में लिखोगे केला, आम, चना, रोटी, संतरा, बिस्कुट इत्यादि। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि बंदर तो सभी शाकाहारी चीज़ें खा सकता है। अब हम आएंगे पेज नंबर 73 पर। यहाँ पर है कौन कौन। तो सुहानी कह रही है, मैं बहुत उछल कूद करती हूँ। तो जानवरों में ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो कि कूद करते होंगे, यानी कि ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो कि कूद सकते हैं और ऐसे कौन से जानवर हैं जो कूद नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी नाम दिए गए हैं, जो जानवर कूद सकते हैं उन्हें इस कॉलम में लिखेंगे और जो जानवर कूद नहीं सकते उन्हें इस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो उछल कूद करने वाले जानवरों के नाम क्या क्या है? खरगोश, चूहा, कुत्ता, बिल्ली और गिलहरी। याद रहेगा, खरगोश भी उछल कूद कर सकता है, चूहा भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी और गिलहरी भी। और उछल कूद कौन कौन से जानवर नहीं कर सकते हैं? देखो, हाथी बहुत भारी भरकम होता है, शेर भी बड़ा होता है, ये भी उछल कूद नहीं कर सकता, ऊंट बहुत लंबा होता है, गधा भी उछल कूद नहीं करता और गाय भी उछल कूद नहीं करती है। तो बच्चों यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना।